गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक चाणक्य विद्यापीठ। स्वागत आप सभी प्यारे साथियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ में कर रहे होंगे। तो आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं, यदि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, सुनते हो उसका नाम, तो आप एक कदम हमेशा पीछे रखते हो, क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। आप बाकी बात करते हैं सब्जेक्टों की, तो जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं आप पढ़ लेते हो, पॉलिटी की बात करते हैं आप पढ़ लेते हो, रीजनिंग की बात करते हैं आप पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो आप, इंग्लिश पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, लेकिन जब हम बात सुनते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, तो आप हमेशा पीछे खींचने का प्रयास करते हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है आपको इसके कंसेप्ट, इसके फंडे समझ में नहीं आते हैं, और कुछ इसके अंदर डीप कंसेप्ट भी होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सोल्व करनी पड़ती है। तो इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके वेटेज की बात पहले हम कर लेते हैं। आज से 2-4-5 साल पहले की बात करते हैं तो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी कम था, लेकिन जैसे जैसे आज के जो हमारे भारत देश की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हम हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था, इसकी तरफ सरकार भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि हमारा देश कंटिन्यूअसली तरक्की करता जा रहा है, बूस्ट अप होता जा रहा है। आप सुनते भी हो डे टू डे लाइफ के अंदर कि हमारा देश ने इकोनॉमी के मामले में हमारा देश 5वें नंबर पर आ चुका है, तो सरकार भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है इनकी तरफ में। अब प्रत्येक वर्ष सरकार जो बजट पेश करती है उसके साथ में आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाती है, तो बजट के ऊपर भी काफी ध्यान देता है, फोकस देते हैं सरकारें। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आज के एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी बढ़ चुका है, क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ज्यादातर खासकर क्वेश्चन पूछे तो करंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। जितने भी आप हम पढ़ेंगे साथ में मिलकर, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिल्कुल आपको लास्ट में जब मेरे साथ आप बने रहोगे तो लास्ट में आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल लड्डू लगने लगेगा, बिल्कुल हल्के में आपको इसको लगने लगेगा, क्योंकि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर थ्योरी पार्ट को कम्प्लीट करेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद में हम उसी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल प्यार से, आराम से हम इसको पढ़ेंगे। आपको बस काम ये करना है कि जितने टाइम तक हम पढ़ रहे हैं, आपको शिद्दत के साथ में, लगन के साथ में मेरे साथ में बने रहना होगा, और साथ में आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके भैया आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को, और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है, क्या चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट का जो नाम रहेगा उसको हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, हिंदी में बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। सबसे पहले सब्जेक्ट के मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखे, एक लिखा मैंने अर्थव्यवस्था जबकि दूसरा लिखा मैंने अर्थशास्त्र। अब क्या दोनों का मतलब सेम होता है या फिर दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कई बच्चे इन दोनों शब्दों को एक ही समझ बैठते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। अर्थव्यवस्था को समझने से पहले आपको समझना होगा इस अर्थशास्त्र के बारे में कि इसका मतलब क्या बनता है। अर्थशास्त्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे सामने दो शब्द निकल कर आएंगे। एक निकलेगा अर्थ, जबकि सेकंड बात करते हैं तो शास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र, मतलब कि अर्थशास्त्र। यहां पर अर्थ का मतलब होता है धन से, धन मतलब पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी के बारे में जांच पड़ताल करना, जांचना या फिर अध्ययन करना। तो आपको क्या समझ आई बातें, आपको यह बात समझ आई कि सर अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पैसे का, धन का अध्ययन करते हैं। अब धन का अध्ययन करने के लिए हमें एक्टिविटीज को लेना पड़ेगा, और एक्टिविटीज किस प्रकार की हो जाएगी, यदि मैं बात करूं कि हमें यहां पर एक्टिविटी को लेना पड़ेगा, जिस एक्टिविटी को हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि या फिर आर्थिक गतिविधियां, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। यहां पर आपको बात यह समझनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ का मतलब होता है धन से, यानी कि पैसे से होता है, तो यदि मैं बोलूं आपको कि आर्थिक गतिविधियां हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन तो हो रहा होगा,
यदि कोई एक्टिविटी आर्थिक है तो मतलब कि पैसे का लेन देन यहाँ पर हो रहा होगा। वैसे तो एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, जैसे खेलना एक एक्टिविटी है, कूदना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, ये भी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, गतिविधियां होती है। लेकिन हम आर्थिक गतिविधियां किन्हें कहेंगे कि सर ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो रहा हो उसको हम आर्थिक गतिविधि कहेंगे। जैसे हर रोज शाम को आज आप लोग मार्केट जाते हो और मार्केट से कोई ना कोई वस्तु आप परचेज करके घर आते हो, तो यदि आप मार्केट में गए, सपोज करो आप सब्जी वाले के पास गए और सब्जी वाले के पास में आपने सिर्फ बातचीत की और आप वापस घर लौट आए, तो आपने कोई एक्टिविटी तो की है, बिल्कुल आपने बात की है, वो भी एक एक्टिविटी है, आप चलकर गए वो भी एक एक्टिविटी है, तो क्या हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी में कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे मैं आपको कहूं कि आप सब्जी वाले के पास गए, आपने सब्जी को परचेज किया, खरीदा और बदले में उसको पैसा देके आ गए, तो इसको मैं सर कह सकता हूं कि पैसे का लेन देन हुआ है, मतलब कि आर्थिक गतिविधि है। वैसे ही आप मार्केट के अंदर शॉप में आप कपड़े लेने के लिए जाते हो, तो आपने कपड़े लिए, बदले में आपने कुछ पैसे चुकाए, दुकानदार को अपने पैसे दिए, तो इसको मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकता हूं, पैसे का लेन देन कह सकता हूं। तो फिर सवाल सर ये उठता है कि यदि आर्थिक गतिविधियां जो आपकी होती है, यदि हमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि पैसे का यदि हमें अध्ययन करना पड़ता है, तो फिर हम इन पैसों का अध्ययन क्यों करते हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है? इस सब्जेक्ट को पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में, या फिर आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं, जैसे हम भारत के अंदर रहते हैं तो हम भारत देश की ही बात कर लेते हैं। यदि मैं इंडिया की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सर इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है, इंडिया की जो जनसंख्या है, अब वर्तमान में तो भारत नंबर वन पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में, तो भारत की जनसंख्या की जो इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, इच्छाएं मतलब डिजायर्स होती है, यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारी भारत के लोगों की इच्छाएं कैसी है, तो आप कह सकते हो कि सर इच्छाएं तो कभी मरती नहीं है, हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं तो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। कि जैसे आपके पास में यदि वर्तमान में आपके पास में कुछ नहीं है तो आप एक साइकिल की डिमांड कर सकते हो, फिर आपके पास में साइकिल भी आ जाती है तो फिर आप बाइक की डिमांड करते हो, आपके पास बाइक भी आ जाती है तो फिर आप गाड़ी की डिमांड करते हो, गाड़ी आ जाती है फिर आपको बस की डिमांड करते हो, बस आती है तो फिर आप हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हो, हेलीकॉप्टर भी आ जाता है तो फिर आप हवाई जहाज की डिमांड करते हो, और वो भी आ गई तो आप पनडुब्बी की डिमांड करते हो। कहने का और बताने का मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। आपके पास में थोड़ा है तो आप अधिक का प्रयास करते हो कि मेरे पास में ज्यादा होना चाहिए, अगर वो भी आ जाता है तो आप और ज्यादा डिमांड करते हो, है ना। यदि आप एक गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो आप एक शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हो, वो भी बन जाते हो तो एक राज्य का बनने का प्रयास करते हो, वो भी बन जाते हो तो देश का बन जाते हो, तो आप दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हो। ये आपकी इच्छाएं हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छाएं कभी नहीं मरती है, आपकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है कंटिन्यूसली, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन यदि बात करूं मैं कि हमारे पास में जो संसाधन है, हमारे पास या फिर किसी कंट्री के पास, देश के पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो कैसे होते हैं? यदि मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं, संसाधन की बात करता हूं, तो हमारे पास में वो है लिमिटेड, यानी कि सीमित संसाधन है। इच्छाएं कैसी है? सर इच्छाएं तो हमारे पास में अनलिमिटेड है, असीमित इच्छाएं हैं, परंतु किसी भी कंट्री के पास में जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं? सर सीमित होते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर संसाधन क्या होते हैं। तो जैसे मैं एक परिवार की बात करता हूं, आप अपने घर पे ले सकते हो कि आपके पास में अपने घर पे एक अच्छा सा घर होगा, वो आपका संसाधन है। हो सकता है कि आपके पास में खेत हो, वो आपके संसाधन है, आपके पास में प्रॉपर्टी हो, वो भी आपके संसाधन है, आपके पास में गाड़ी है, या फिर आप जितना भी अर्न कर रहे हो, जितना आप कमा रहे हो, वो सब क्या है? आपके संसाधन है। यानी कि ऐसी वो सारी चीज जो आपके कंट्रोल में है, जिन पर आपका अधिकार है, वो क्या है? आपके संसाधन है। आपका मोबाइल फोन भी आपका संसाधन है, ठीक है। तो वैसे ही एक देश के पास में भी संसाधन होते हैं। देश के अंदर जो नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम निकालते हैं, जितने भी देश के अंदर कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, जितने भी देश के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती है, वो है एक देश का संसाधन, देश के रिसोर्सेज। और वो हमेशा क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज हमेशा सीमित होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमेशा लगातार क्या है? कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही देश के अंदर वनों की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, कम होते जा रहे हैं। जल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो वो भी एक संसाधन है, पीने के काम आता है, जल ही जीवन है, वो भी कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। यदि आप यूज के बेस पे बात करें तो खारा पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मीठे पानी की बात करते हैं जिसे हम दैनिक लाइफ में यूज करते हैं, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज करते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है।
ना? तो देश के पास में जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर अब मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सरकार क्या चाहती है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ति भी करनी है, उनको पूरा भी करना है, लेकिन हमारे देश के पास में संसाधन सिर्फ लिमिटेड है, सीमित संसाधन है। इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें लोगों की जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं उनको उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, उनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। और इसके लिए हमें मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो कुछ भी नहीं होता है। यदि आपके परिवार की इनकम, यदि आपके परिवार की इनकम मात्र 10,000 रुपए है तो क्या करोगे आप? सर हम फिर 10,000 रुपए के हिसाब से ही खर्चा करेंगे। आपके पास में आपके परिवार की इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि आपकी इनकम ही 10,000 रुपए है तो आप इन 10,000 रुपए का प्रयोग करते हुए क्या करने पड़ेगा आपको, आपकी जो मेन काम की जो इच्छाएं उनको आप पूरा कर लोगे, बाकी की इच्छाएं आप मन के अंदर रख लोगे। वहीं पे यदि आपके परिवार की इनकम 1,00,000 रुपया हो जाती है, 1,00,000 रुपया हो जाती है, अब आप क्या कर सकते हो, सर अब मेरा जो परिवार है वो ज्यादा मात्रा में इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यदि आपकी इनकम 10,00,000 रुपए हो जाती है तो अब और ज्यादा मात्रा में आप इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन सर इच्छाएं आपकी अनलिमिटेड होती है तो आप सारी की सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं करोगे। आपके पास में जितने संसाधन हैं, जितने आपके पास में पैसे हैं उनका प्रयोग करते हुए आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। अब आपको करना क्या पड़ेगा, यदि आपके पास में 10,000 रुपए है तो आपको करना पड़ेगा सर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के माध्यम से आप इच्छा को पूरा करोगे। आप ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए आपकी इनकम है तो आप खर्चा 1,00,000 रुपया कर लोगे, आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। तो वैसे ही आपकी जो इनकम 1,00,000 रुपए है तो आप इस हिसाब से खर्चा करोगे, 10,00,000 रुपए यदि आपकी इनकम है तो खर्चा इसी के अकॉर्डिंग आप करने वाले हो। तो वैसे एक देश करता है, देश करता क्या है, देश की सरकार करती क्या है कि उनके पास में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करते हुए वो लोगों की इच्छा को पूरा करने का काम करती है। और किसके माध्यम से करती है, तो सरकार को करना पड़ता है क्या, मैनेजमेंट करना पड़ता है। सरकार को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि सरकार को प्रबंधन करना पड़ेगा, संसाधनों का मैनेजमेंट करते हुए सरकार लोगों की इच्छा पूर्ति करती है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि यदि हमारे पास में 10 आम है और 10 ही व्यक्ति है, और मैं ये बोलूं कि इन 10 आम को 10 व्यक्तियों में बांटना है तो कैसे बांटोगे, कैसे उनकी इच्छा पूरी होगी? तो नॉर्मल सी बात है कि सर एक ही काम सबको बांट देंगे तो उनकी इच्छा पूरी होगी, और हमने मैनेजमेंट कर ली कि सबको एक आम खाते में बांट दिया गया। अब मैं कहूं कि हमारे पास में 5 आम है और वही 10 व्यक्ति है, अब बांटना है तो क्या करोगे, सर आधा आधा आम सबको हम बांट देंगे तो सबकी इच्छा पूर्ति होगी, हमने संसाधनों का मैनेजमेंट कर लिया। अब मैं कहूं कि सिर्फ मेरे पास में 2 आम है और वही 10 व्यक्ति है तो अब क्या करोगे, तो अब आपके पास में मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, अब आपको क्या करोगे, अब उस 2 आम का आप जूस बना दोगे और जूस बना के आप उन 10 लोगों को पिला दोगे, तो मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो संसाधन देश के पास में लिमिटेड मात्रा में होते हैं, लेकिन देश के लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। अब इन संसाधनों का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे, इनका मैनेजमेंट हम इस तरीके से करेंगे कि संसाधन भी हमारे पास में बचे रहे और हम लोगों की इच्छा भी पूरी करें। ठीक है, तो वही काम सरकार करती है। अब वो चीजें जो है आपकी है, उन चीजों को हम कहां पढ़ते हैं, सर उनको हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। अब उनको हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र नामक जो बुक होती है, अर्थशास्त्र क्या है, एक बुक है, ये बुक ही हमें बताती है कि हमें कैसे काम करना है, देश के अंदर हमें कितना तो प्रोडक्शन करना है, कितना उत्पादन करना है, लोगों की डिमांड क्या है, कैसे हमें लोगों की डिमांड पूरी करनी है, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, उसको क्या चाहिए वो चीज देखी जाती है, एक जो प्रोड्यूसर होता है उत्पादन करता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये चीज हमें सब देखी जाती है, सरकार ये चीज सब देखती है। अगर मेरे पास में मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरी कोई कंपनी है, चाहे मैं कुछ भी बना रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि डिमांड किस चीज की है, मैं उसी चीज की फैक्ट्री लगाऊं। डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्री में क्यों लगाऊंगा, डिमांड है तो फैक्ट्री लगाऊं। अच्छा कितनी डिमांड है उस हिसाब से मेरे को कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मेरे को उत्पादन करना है, वो चीज मेरे को देखनी पड़ेगी। तो ये एक मैनेजमेंट होता है, ये आप इस अर्थशास्त्र के बुक के अंदर पढ़ते हैं। अब अर्थशास्त्र से संबंधित आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछेगा, यदि बात करूं मैं प्राचीन की, प्राचीन टाइम की बात करता हूं, तो इसके प्राचीन जनक कौन है, ये आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। और अर्थशास्त्र के आधुनिक पूछे आपसे, आधुनिक जनक कौन है, प्राचीन पूछे तो आप बता सकते हो कि सर कौटिल्य, कौटिल्य को ही मैं विष्णुगुप्त के नाम से जानता हूं, विष्णुगुप्त को ही मैं चाणक्य के नाम से जानता हूं। आपने अक्सर नाम सुना होगा चाणक्य का, तो यदि अर्थशास्त्र के प्राचीन जनक पूछे आपसे तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बुक का नाम यदि आपसे पूछे, कौटिल्य की बुक का नाम पूछे आपसे तो आप बता सकते हो कि सर इनके बुक का नाम था अर्थशास्त्र। हालांकि इस अर्थशास्त्र बुक के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर रखी थी, परंतु तो बुक का नाम था अर्थशास्त्र, तो आप इनको प्राचीन
अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन जाने जाते हैं, तो आप आसानी से जवाब कर सकते हो कि सर एडम स्मिथ व्यक्ति जो है, इनको हम आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। अब कोई ना कोई बुक तो इनके भी होगी। इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या रहेगा, तो आप बता सकते हो कि सर वेल्थ ऑफ नेशन रहेगा। ये बुक 1776 यानी कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। मार्केट में सबके सामने बुक कब आती है, 1776 में आती है। अर्थशास्त्र के जो जनक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो दो तीन बातें, बेसिक बातें आपको याद करनी है। अब सवाल ये उठता है कि सर अर्थशास्त्र का हमें पता लग गया कि सर एक टाइप की बुक है, किताब है, इसको हम पढ़ते हैं, इसके अंदर आप कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं आप, लेकिन फिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या बनता है? तो देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं बात करूं अर्थव्यवस्था की कि सर फिर इसका मतलब क्या बनता है। अर्थशास्त्र का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन फिर इस अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र में जो कि एक बुक होती है, इस बुक के अंदर जो भी बातें, जो भी रूल्स लिख रखे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, प्रैक्टिकली है। जितने भी सिद्धांतों की हम बात करते हैं, जो भी हम रूल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो सारे कैसे हैं, प्रैक्टिकली है। अब यदि इन प्रैक्टिकली रूल्स को मैं समाज के अंदर या फिर हमारे देश की बाउंड्री की बात करता हूं, ये हमारा देश है, भारत देश है, प्यारा भारत देश है, इस देश की बाउंड्री के अंदर यदि मैं अर्थशास्त्र के बुक के जो रूल्स है, जो नियम है, उनको यदि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूं, तो उसको मैं कह सकता हूं कि सर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और खाली इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं बनता है, इसके नाम के आगे हमें किसी कंट्री का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैं भारतीय बाउंड्री की बात कर रहा हूं, भारत की बाउंड्री की बात कर रहा हूं। तो यदि मैं इस भारत की बाउंड्री के अंतर्गत, इसकी इंटरनल बाउंड्री के अंतर्गत यदि मैं अर्थशास्त्र के रूल्स प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा हूं और देश को बूस्टअप होने में मदद कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि सर इसको हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। और खाली अर्थव्यवस्था कुछ होता नहीं है, इसके आगे हमें किसी नाम को तो एड ऑन करना पड़ेगा। नाम क्या रहेगा, भारत देश रहेगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था एक टाइप की देश की इंटरनल बाउंड्री कही जाती है, उस बाउंड्री के अंदर आप सारे रूल्स प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करें तो वैसे तो इसको पास सात प्रकार से बांट के पढ़ते हैं, हम इसको सभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसको वन बाय वन बांट के हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे जो पहला हमें पार्ट रहेगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करूं, जो सबसे पहला हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो रहेगा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को बांटते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार से पहला जो प्रकार है उसको बांट रखा पाने तीन टाइप से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से हमने अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट रखा है। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बता दिया कि सर संसाधन होते क्या हैं, मैंने आपको बताया कि सर संसाधन होते क्या हैं, रिसोर्सेज होते क्या हैं। परंतु यदि बात करें आप स्वामित्व की, ओनरशिप की बात करें, तो इसका मतलब यह बनता है कि सर संसाधनों का मालिक कौन है। ओनर का मतलब होता है मालिक, मतलब कि जिन भी देश के संसाधनों की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर मालिकाना हक किसका है, उन संसाधनों को प्रयोग कौन करता है, उनका मालिक कौन है। तो फिर इस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था को तीन टाइप से बांट दिया, जिसके अंदर यदि मैं बात करता हूं तो पहले टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको मैं कहता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड बात करता हूं मैं तो इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
थर्ड बात करता हूं तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन टाइप से हमने बांट रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि संसाधनों के स्वामित्व के बेस पर हमने अर्थव्यवस्था को कितने टाइप से बांट रखा है, तो आप आसानी से जवाब कर सकते हो कि सर तीन टाइप से बांट रखा है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि संसाधनों के स्वामित्व के बेस पे हमने अर्थव्यवस्था को तीन टाइप से बांटा, तो इनमें से वो कौन से टाइप की अर्थव्यवस्था नहीं है, तो तीन ऑप्शन में ये होंगे जबकि चौथा ऑप्शन कुछ और हो जाएगा। या फिर आपको एक एक करके इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पूछ लेगा, तो हम भी पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन से टाइप की अर्थव्यवस्था में क्या बात कर रखी है। सबसे जो पहले टाइप की है उसको बोलते हैं पूंजीवादी। और यदि आपको एग्जाम में पूंजीवादी दिया ना मिले तो आप बता सकते हो कि सर इसी को हम कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। यदि उदारवादी भी आपको ऑप्शन में ना मिले तो मिलेगा आपको बाजारी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में कहेंगे इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये नाम रहेगा। हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नाम से, हो सकता है आपको एग्जाम में दे उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से, हो सकता है कि आपको दे एग्जाम के अंदर बाजारी अर्थव्यवस्था के नाम से, क्योंकि तीनों का मतलब तो सेम रहेगा, बिकॉज गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। ठीक है, अब यदि किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उस कंट्री में जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उन संसाधनों पर कंट्रोल किसका होगा? उन संसाधनों पर सर अधिकार तो होगा लेकिन किस सेक्टर के पास होगा? क्योंकि सेक्टर दो होते हैं आपके, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति या फिर सरकारी व्यक्ति। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधनों पर अधिकार होगा निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा। मतलब जैसे कि आप अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में ना आप किसी स्कूल का एग्जांपल लूं तो स्कूल देश में प्राइवेट भी है, स्कूल देश में सरकारी भी है। आप बैंक की बात करते हैं तो भारत के अंदर बैंक प्राइवेट भी है, बैंक सरकारी भी है। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। परंतु ऐसा देश, ऐसी कंट्री जिसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर आपको सिर्फ प्राइवेट ही दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी देश के अंदर संसाधन होंगे, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, सभी के सभी कैसे होंगे? प्राइवेट होंगे, क्योंकि वहां पर, ऐसे देश में संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा, मतलब कि निजी क्षेत्र का होगा। अब पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड बात करता हूं मैं, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, प्रिंसिपल गिवन बाय, सिद्धांत दिया किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सिद्धांत दिया एडम स्मिथ के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। अब इनकी बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के माध्यम से इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको हम जानते हैं लजेस फेयर के थ्योरी से। इस बुक के माध्यम से इन्होंने एक थ्योरी को इजाद किया, इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं लजेस फेयर थ्योरी, इसको लासे फेयर भी बोलते हैं, लासे फेयर थ्योरी। और इसके लिए आप हिंदी में मीनिंग की बात करते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या बनेगा, तो इसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति इसको हम बोलते हैं। यहां पर आपको समझ में आएगा कि सर हस्तक्षेप की बात करते हैं मतलब होता है इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना मतलब कि इंटरफेयर करना, और यदि उसके नाम के आगे ए लगा है तो ए नेगेटिविटी को शो करता है, मतलब कि हस्तक्षेप मतलब कि इंटरफेयर न करना। अब ये बात तो समझ में आती है कि सर जो लजेस फेयर थ्योरी है उसका मतलब ना कि हस्तक्षेप मतलब कि इंटरफेरेंस न करना, परंतु फिर ये इंटरफेयर कौन नहीं करता है, तो आपको बता दूं कि इंटरफेयर आपकी सरकार नहीं करती है, सिंपल सी बात है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधनों पर अधिकार यदि प्राइवेट सेक्टर का है तो फिर अहस्तक्षेप इंटरफेयर कौन नहीं करेगी? सर इंटरफेयर तो सरकार नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। तो इंटर जो आपका अहस्तक्षेप की नीति है इसको कौन अपनाता है, इसको कौन फॉलो करता है? सरकार फॉलो करती है क्योंकि सरकार इंटरफेरेंस नहीं करती है, बिकॉज संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। अब उसके बाद में तो फिर सरकार करी क्या? क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर क्या सरकार नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, सरकार बनती है, लेकिन सरकार फिर काम करती क्या है? सरकार इंटरफेयर तो नहीं करेगी लेकिन सरकार नाइट वॉचमैन का रोल प्ले जरूर करेगी, नाइट वॉचमैन का रोल प्ले करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार सिर्फ यह देखेगी कि प्राइवेट सेक्टर संसाधनों का प्रयोग तो कर रहा है क्योंकि उनके पास में अधिकार होता है, लेकिन किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो आपका संसाधन होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, इनको देखने का काम करेगी। नाइट वॉचमैन जो होता है वो काम क्या करता है, और उसके हाथ में एक बैटरी होती है और वो सिर्फ देखने का काम करता है और वो कुछ काम नहीं करता है, वो सिर्फ देख रहा है कि आसपास में आजू बाजू में क्या हलचल हो रही है। तो वैसे जो सरकार होती है जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी उस कंट्री की बात करूं मैं तो वहां पर सरकार तो बनती है, हालांकि संसाधनों को कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन जो सरकार बनेगी वो सिर्फ एज ए नाइट वॉचमैन का रोल प्ले करेगी। मतलब सिर्फ ये देखेगी कि प्राइवेट सेक्टर संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से कर रहा है। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास में वो काम लीगल तरीके से भी कर सकता है और वो काम इलीगल तरीके से भी कर सकता है, तो सरकार देश में गलत काम होने से रोकेगी। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है कि उस कंट्री के अंदर सारे के सारे जो जितने भी संसाधन हैं तो 100% जो है क्या वो प्राइवेट सेक्टर का हुआ, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि परमाणु, आप एग्जांपल लेते हैं कि जैसे परमाणु ऊर्जा का जो सेक्टर है, परमाणु का सेक्टर है, तो वो सरकार के अंडर ही काम करता है। अब यदि परमाणु वाली बात है, यदि परमाणु जो आपका एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, यदि आप प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे तो कल को फिर कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति का स्वभाव एक अलग होता है, सरकार का स्वभाव एक अलग होता है। तो कुछ एक सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर सरकार भी कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी जो आपका जो आम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो काम होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, ठीक है? उस टाइप की अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे जो जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि निजी क्षेत्र यदि संसाधनों पर अधिकार यदि प्राइवेट सेक्टर का है तो वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो आप बता सकते हो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ की बुक का नाम भी आपसे पूछ सकता है, वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से एडम स्मिथ के द्वारा लेजेस्फेयर थ्योरी का इजाद किया गया, और लेजेस्फेयर थ्योरी का मतलब यह बैठता है कि यहां पर अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाता है। इसको अपनाता कौन है, सरकार अपनाती है, यानी कि बाजार के अंदर जो डिमांड सप्लाई है उनको पूरा प्राइवेट सेक्टर करेगा, आसानी से मुक्त रूप से फ्री होकर करेगा, उसके अंदर सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगी, यह मतलब बैठता है लेजेस्फेयर का। उसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें या फिर इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है, उद्देश्य क्या होता है? यदि किसी भी कंट्री के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, मतलब कि लाभ अर्जित करना, लाभ कमाना। अब सिंपल सी बात है, यदि कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा सोचता है कि भैया लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। सरकार कभी इस बारे में नहीं सोचती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है उसको कभी नहीं पड़ी होती कि देश के अंदर क्या चल रहा है, हमें किस तरीके से काम करना है, कितनी हमें मेहनत करनी है, एक सरकारी व्यक्ति कभी नहीं सोचता है, हमेशा सोचता है प्राइवेट व्यक्ति। यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास में कंपनी है तो वो वही वर्कर रखेगा जो उसके लिए काम करे, दिन रात मेहनत करे और मेहनत करने के बाद उसको कुछ आउटपुट निकाल के दे। यदि काम व्यक्ति कर रहा है 1000 रुपए का तो उसको फिर 500 रुपए बदले मिलते हैं, मतलब कि खर्चा करना चाहिए कम से कम और प्रॉफिट अर्न करना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में। यदि मैं हूं, आप हो, यदि आपा भी कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, तो फैक्ट्री में हम क्या करेंगे, हम हमेशा सोचेंगे कि हमें कम से कम क्या करना पड़े, कम से कम हमारा खर्चा हो और अपा अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट को अर्न करें। तो जिस कंट्री के अंदर संसाधनों पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है तो उनका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या रहेगा कि मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, लाभ अर्जित करना है। तो जैसे आप सुनते हो आज कि अमेरिका, यूएसए, अमेरिका देश विकसित देश है,
और उसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि वहां पर संसाधनों पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है। तो आज अमेरिका इतना आगे क्यों निकल चुका है, इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के लोग हमेशा ये सोचते हैं, वहां की सरकार हमेशा ये सोचती है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट को अर्न करें। तो वहां पे वो खर्चा कम करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हैं, तो उनके पास में अच्छा खासा पैसा है। आज दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है यूएसए अमेरिका, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे सरकार के पास में कंट्रोल नहीं है संसाधनों पर, प्राइवेट सेक्टर काम करता है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचता है, लाभ कमाने के बारे में सोचता है, और अधिक लाभ कमाएगा तो अधिक मात्रा में पैसा आएगा, और पैसा ही सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि कीमत यानी कि प्राइस का निर्धारण कौन करेगा, कीमत का निर्धारण कौन करता है, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, कीमत कौन निर्धारित करेगा। अब सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर के पास में सब कुछ है, संसाधनों पर अधिकार है, तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। परंतु यहां पे इसका जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो ये रहेगा कि जो कीमत का निर्धारण किया जाएगा वो सरकार तो यहां पे बिल्कुल भी नहीं करेगी, यहां पर किया जाएगा बाजार की मार्केट की मांग व पूर्ति के आधार पर। कीमत का जो निर्धारण होगा वस्तु का, वो बाजार की मांग व पूर्ति के बेस पे होगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट। यानी कि मार्केट के अंदर, आप किसी भी मार्केट की बात करते हैं तो उस मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी की जा रही है, पूर्ति कितनी की जा रही है। जैसे मैं बात करता हूं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, अब ये जो मेरे सामने मार्कर है, स्टेनलेस है, ये जो पेन है, अब ये पेन किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया होगा, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो कीमत है उसका डिटरमिनेशन कैसे हुआ होगा, इसकी कीमत का निर्धारण कैसे हुआ होगा कि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड क्या है और कितनी सप्लाई की जा रही है। यदि मार्केट में डिमांड अधिक मात्रा में है और इसकी पूर्ति कंपनी कम कर पा रही है, डिमांड ज्यादा है पूर्ति कम कर पा रही है, तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। आप किसी चीज की डिमांड अधिक करेंगे और वो चीज हमें कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाया करती है। वहीं पर यदि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बेहिमतिया पेन बन के कंपनी ने बना के रख रखी है, लेकिन इसकी जो डिमांड है, मांग है, वो बहुत मात्रा में कम है, तो फिर इस पेन की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड ज्यादा रहेगी तो कीमत बढ़ जाती है, डिमांड कम होगी तो कीमत घट जाती है। तो वहीं पे यदि प्राइवेट व्यक्ति के पास में अधिकार होता है यहाँ पे कि प्राइवेट व्यक्ति काम कर सकता है, वो अपने तरह की अपने टाइप की फैक्ट्री लगा सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है, वो सिंपल सी बात है, तो वहां पर इस पेन की कंपनी की बात करता हूं तो ढेर सारी कंपनियां मिलेगी। अब ढेर सारी कंपनियां होगी तो कंपनियां अपने अपने टाइप के पेन बेचेगी, जो बना रही है जिस पेन का वो प्रोडक्शन कर रही है उसको बेचने का प्रयास करेगी, लेकिन फिर इसकी कीमत क्या रहेगी कि सर मार्केट में उस पेन की डिमांड कितनी है। जिस कंपनी के पेन की डिमांड अधिक की जाएगी उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, और जिस कंपनी के पेन की डिमांड कम की जाएगी उसका प्राइस हमेशा से कम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर कीमत का निर्धारण कौन करेगा, वस्तुओं का सेवाओं का निर्धारण कौन करता है, उनके प्राइस का निर्धारण मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर क्या डिमांड है, कितनी मांग की जा रही है और कितनी सप्लाई की जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसकी डिमेरिट क्या है, इस टाइप की अर्थव्यवस्था की डिमेरिट क्या है, डिमेरिट हो जाएगी इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, इनइक्वालिटी डिमेरिट हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की डिमेरिट क्या है, वो हो जाएगी इनइक्वालिटी असमानता। जिस भी कंट्री के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर अक्सर आपको असमानता देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब सपोज करो कि 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्तियों के पास में थोड़ा थोड़ा पैसा है। अब थोड़ा पैसा है तो प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि मैं इस पैसे का प्रयोग करते हुए मैं कोई फैक्ट्री स्थापित कर लूं, कोई कंपनी लगा लूं या फिर अपना बिजनेस सेटअप कर लूं। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी कम होगी क्योंकि भैया पैसा उनके पास में थोड़ा है। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति आता है जिसके पास में बेशुमार पैसा पड़ा है, उसके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी है, तो वो करेगा क्या, वो अपने पैसे का प्रयोग करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अधिक मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सकता है और अधिक मात्रा में पैसे को बर्न कर सकता है।
तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति मार्केट में आ जाता है तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो काम धंधा कर रहे थे उनका व्यापार वहां पे ठप पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास में पैसा भी थोड़ा है, उनके पास में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी भी कम है इन कंपेरिजन टू उस व्यक्ति के। तो फिर होता क्या है, इसमें इनइक्वालिटी प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर आप सुनते हो कि पैसे से हमेशा पैसा जुड़ता है, यानी जिसके पास में पैसा है वो पैसे को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा जोड़ देता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर गरीब व्यक्ति गरीब रह जाता है और अमीर व्यक्ति पैसे को जोड़ जोड़ के और ज्यादा अमीर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में तो इनइक्वालिटी तो भारत में भी है, असमानता तो भारत के अंदर भी है, गरीबी तो भारत के अंदर भी है और अमीरी भी हमें देखने को मिलती है। अमीर व्यक्ति अपना खुद का काम करता है तो काम करके वो पैसे को कमा लेता है, लेकिन गरीब व्यक्ति गरीब का गरीब रह जाता है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत गरीबों के लिए सरकार काम करती है। यदि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जनसंख्या भारत की गरीब है तो उनके भले के लिए उनके कल्याण के लिए सरकार देश में काम करती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर सरकार काम नहीं कर पाती है, क्योंकि संसाधनों पर कंट्रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। और प्राइवेट व्यक्ति जो भी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जो भी रहेगा, उसको जनता की भले की कुछ भी नहीं पड़ी होती है। उसका तो एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या, कि भैया मेरे को तो अधिक से अधिक मात्रा में लाभ अर्जित करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, उसको नहीं पड़ी होती है कि जनता की भलाई हमें करनी है। सरकार तरह तरह की योजनाएं लेके आती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि चाहे नीरव मोदी की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, कि देश के अंदर तरह तरह की योजना लेके आए हो, देश की गरीबों के लिए, जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ काम कर रहे हो? ऐसा आप कभी नहीं सुनते हो। आप हमेशा सुनते हो कि सरकार ही योजनाएं लेके आती है और जनता का भला करती है। ठीक है, तो वहां पे इनइक्वालिटी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जिस भी देश के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर रहेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहां पर आपको इनइक्वालिटी यानी कि असमानता देखने को मिल जाएगी, गरीबी अमीरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं यूएसए, अमेरिका की बात करते हैं, जैसे बात करूं मैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन, कनाडा की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, ऐसे ढेर सारे देश हैं जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इनकी एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर संसाधनों के स्वामित्व के बीच पे किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आज की क्लास की बात करते हैं तो इसके अंदर आपने कुछ बेसिक समझा, आपने अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जाना, अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में जाना, अर्थशास्त्र के जनक कौन है वो हमने पढ़ा। उसके अलावा बात करते हैं तो हमने स्टार्ट किया है टॉपिक अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो हमने अर्थव्यवस्था को 7 तरीके से बांट रखा है, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं तो जो हमने पहला टाइप पढ़ा कि संसाधनों पर अधिकार किसका रहेगा, उसके अंदर भी हमने अर्थव्यवस्था को 3 तरीके से बांट रखा है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों में से आज हमने सिर्फ एक टाइप की बात की, हमने पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको 5-7 जो क्वेश्चन बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उसका सोल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।